क्रिकेट की दुनिया में करियर तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन अपने सपनों को चंद खिलाड़ी ही पूरा कर पाते हैं। वहीं इस लिस्ट में एक नाम और 15 साल की सोनम यादव का जोड़ लीजिए, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी अपनी घर की आर्थिक तंगी को आड़े नहीं आने दिया। महिला अंडर 19 टीम को चैंपियन बनाने में सोनम ने अहम जिम्मेदारी निभाई थी, जिसकी वजह से नीलामी में नीता अंबानी ने इस खिलाड़ी पर 10 लाख की बोली लगाते हुए अपनी टीम मुंबई इंडियंस में शामिल कर लिया। सोनम प्रतिभाशाली ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी कराने की भी हुनर रखती है। सोनम यादव का जन्म 18 जुलाई 2007 को यूपी में फिरोजाबाद के छोटे से गांव राजा का ताल में हुआ था। हर किसी पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे उनका और देश का नाम रोशन करें, लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए पिता अपने आप को कड़े संघर्ष में झोंक देता है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पिता मुकेश यादव एक ग्लास फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। उनकी माँ गुड्डी देवी एक गृहिणी है। 6 भाई बहनों में सबसे छोटी सोनम के सपने को पूरा करने के लिए उनके पिता 2 शिफ्टों में काम करते थे, क्योंकि मजदूरी मिलने वाले मेहनताना से घर का खर्चा मुश्किल से चल पाता था। सोनम के बड़े भाई अमन यादव ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद पापा के साथ ही फैक्ट्री में काम शुरू किया और अपनी बहन के सपने को पंख दिए। सोनम जब 13 साल की थीं, तब से उनकी क्रिकेट के प्रति काफ़ी रुचि थी। पास के ही एक मैदान में सोनम ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। गेंदबाजी में वह अक्सर अपनी उम्र से बड़े खिलाड़ियों को आउट कर देती थी। इसने उनका हौसला और बढ़ा दिया था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्रिकेट के प्रति सोनम की रुचि को देखकर उनका एडमिशन फिरोजाबाद के ही क्रिकेट कोचिंग सेंटर में हुआ। अपनी प्रतिभा के दम पर उन्होंने भारतीय अंडर 19 टीम में जगह बनाई। इसके बाद सोनम को 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए गोवा भेजा गया। टीम में चयन के बाद उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए विशाखापट्टनम भेज दिया गया। सोनम अपनी कामयाबी का श्रेय माता पिता, भाई अमन यादव, कोच रवि यादव और विकास पालीवाल को देती है। सोनम के 53 वर्षीय पिता मुकेश कुमार कहते हैं, हमारे पास क्रिकेट का महंगा सामान खरीदने के पैसे नहीं थे, उसके पास तो सही जूते भी नहीं थे। एक बार एक प्रतियोगिता के ट्रायल में जाने के लिए उसे जूते किसी से उधार लेने पड़े थे, लेकिन सोनम अब अपने और अपने परिवार के हालात को बदलने में सक्षम है। उनके कोच रवि यादव बताते हैं कि चाहे रविवार हो या फिर छुट्टी का दिन, चाहे बारिश हो रही हो या कड़ी धूप हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि सोनम प्रैक्टिस के लिए ना आई हो। वो बहुत मेहनती और अनुशासनबद्ध है। उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। सोनम के घर के पास एक खुला नाला है। उनके जर्जर घर की दीवारों से पपड़ी जड़ रही है, लेकिन उन्हीं दीवारों पर सोनम की चमचमाती हुई ट्रॉफियां उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती है। सोनम एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर है। वह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करती है, मिडिल ऑर्डर में अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेती है। इसी ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से उन पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 10 लाख की बोली लगाई है। वह WPL 2023 में सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है। नीलामी में 10 लाख रुपए में बिकने वाली सोनम यादव अपने पिता के लिए गाड़ी खरीदना चाहती है। यह उनका सपना है। इसके साथ ही उन्होंने इच्छा जताई है कि वह टीम इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेले।